जय श्री महाकाल दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेहंदी डिज़ाइंस विद गौरी में। हम आज आपके साथ शेयर करने वाले बहुत ब्यूटीफुल ट्रिक मेहंदी डिज़ाइन। देखिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे हमारे रिस्ट से स्टार्ट करके फिंगर तक, और अब उस कर्व लाइन पर ही हम मेहंदी के कोन से बोल्ड डॉट्स लगाएंगे। देखिए इन डॉट्स में थोड़ी थोड़ी स्पेस ज़रूर रखिएगा। देखिए कितना इजी है। और फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको डिज़ाइन बहुत अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको देखने कर बाद में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी उसके बाद ही कीजिएगा। मैं अभी नहीं कहूँगी आपसे सब्सक्राइब करने के लिए। देखिए पहले आप पूरा वीडियो देखिए बहुत अच्छे से, आपको अच्छा लगेगा, होप सो। ये देखिए हमने डॉट्स रख लिए हैं। अब देखिए सिंपली हमें अपना ईयरबड लेना है, और हमने जो ये मेहंदी के बोल्ड डॉट्स रखे हैं इनको हम अंदर की साइड ईयरबड की सहायता से अंदर की साइड हम इनको मूव करेंगे, जिससे देखिए। और देखिए आप जो ये डिज़ाइन मेहंदी को मूव करेंगे ना, वो थोड़ा नीचे की साइड ऐसे कीजिएगा और एक ही साइड में होना चाहिए वो, जिससे आपका जो लीव वाइन बन रहा है वो काफ़ी सुंदर और परफेक्ट बनेगा। ये देखिए कितना अच्छा बना है हमारा लीव वाइन। अब हम मेहंदी के कोन से ऐसे ये लीव जहाँ पर हमारी एंड हो रही है उसी के एंड से हम कर्व लाइन बनाएंगे। देखिए हमारी दो कर्व्स लाइन बनके रेडी हो गई हैं। देखिए अब हम कर्व्स लाइन बनाने के बाद एक मेहंदी का बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा डिज़ाइन है, आप सभी को पता होगा, होप सो, जब भी आप मेहंदी की वीडियोस देख रहे हैं। देखिए कितना इजी है बनाना, इसको बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप बहुत इजीली बना सकते हैं। ये जो मेहंदी का डिज़ाइन मैं शेयर कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं ना वो भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं इसको, और जो जिन्हें मेहंदी बनाना आता है वो तो इसे काफ़ी अच्छे से बना लेंगे। ये देखिए बन गए हैं ये। अब हम क्या करेंगे, ये सिंपल सा डिज़ाइन है, छोटी सी कर्व लेके एक छोटी सी बूटी बनाएंगे, उस पर तीन लीफ कौन से बनाएंगे, तीन लीफ। देखिए है ना ये सिंपल, एक बार फिर देख लीजिए। और ऐसे ही हम पूरी वाइन पर ये जो एक बूटी और हमारी तीन लीफ वाली सीरीज चल रही है इसे कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए हो गया है। थोड़ा फिनिशिंग देने के लिए इस पर छोटी छोटी लेस बना देंगे एक एक। देखिए अभी हमारा डिज़ाइन थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, अब हम इसकी ब्रिस्ट पे भी सेम डिज़ाइन करेंगे। देखिए पहले आप कर्व शेप ड्रॉ कर लीजिए हल्का हल्का कोन से, जिससे क्या होगा कि जो डिज़ाइन है वो परफेक्ट बनेगा। ये देखिए अब हम बोल्ड डॉट्स जैसे हमने पहले रखे थे वैसे हम बोल्ड डॉट्स इस पर वापस से रखेंगे। डॉट्स रखती है, अब हम अपना वही ईयरबड यूज़ करेंगे और इन डॉट्स को अंदर की साइड मूव करेंगे, और मूव हमें उसी शर्त पे करना है कि जो हम मूव कर रहे हैं वो एक ही साइड में मूव हो। ये देखिए किस तरह से, इससे हमारी बहुत सुंदर लीव्स बनेंगी। ये देखिए पैटर्न कितना प्यारा लग रहा है। अभी हम इसके अंदर इसके एंड्स की साइड पर कर्व्स ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने दो कर्व्स लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हम वही सिंपल वाला डिज़ाइन एक बूटी और तीन लीव्स वही ड्रॉ करेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही इजीली ड्रॉ हो जाएगी ये डिज़ाइन आपसे। ये देखिए अभी हमारा थोड़ा डिज़ाइन इनकम्प्लीट सा लग रहा है, हम देखिए कितने प्यारे फ्लावर बनाएंगे अब, वो भी इतने इजीली। ये देखिए फाइव या फोर डॉट्स जैसा भी आपको सूटेबल लगे
तो आप 5, 4, 6 डॉट्स रख लीजिए ऐसे सर्कल पैटर्न में। ज़्यादा ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे, मतलब ज़्यादा ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, जितने छोटे बनाएंगे ना तो देखना फ्लावर्स कितने क्यूट लगेंगे। ये आप कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको सूटेबल प्लेस दिखे अपने हैंड पर वहाँ पर कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है वहीं पर्टिकुलर प्लेस पर करनी है। अपने ईयरबड से अब हम इनको अंदर की साइड मूव करेंगे इन डॉट्स को। ये देखिए कितने क्यूट छोटे छोटे फ्लावर बन के रेडी हुए हैं। ये पैटर्न हम सोच भी नहीं सकते कि हम मेहंदी में बना सकते हैं। देखिए अब सिंपली इनके अंदर एक डॉट रख देंगे मेहंदी से। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है हमारी मेहंदी। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की और नई वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।